हेलो स्टूडेंट्स, मैं निमिश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की जो फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो पढ़ने जा रहे हैं। इसकी ऑलरेडी हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं और उसमें हमने बेटा विद्युत अपवर्तनी सेल और डैनियल सेल में क्या डिफरेंस होता है, चालक कौन कौन होते हैं, उनमें किस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है उसके बारे में पढ़ा था, कंडक्टेंस जो सी से जिसे डिनोट करते हैं चालक का उसके बारे में पढ़ा था, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, विशिष्ट जो आपकी कंडक्टेंस है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा उसके बारे में पढ़ा था, और बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी मोलर कंडक्टिविटी उसके बारे में पढ़ा था। यानी कि एक मोल प्रति लीटर क्षमता वाले विलयन में अगर हम 1 सेंटीमीटर 2 इलेक्ट्रोड्स रखें 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो उस विलयन की चालकता ही क्या कहलाती है, उस विलयन की चालकता क्या कहलाती थी बेटा, हमारी क्या कहलाती थी बेटा, मोलर चालकता कहलाती थी। ठीक है बच्चों, अब आज हम आगे की क्लास में क्या पढ़ते हैं बेटा, विलयता का निर्धारण किस तरीके से होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अल्प विलय लवणों की विलयता का निर्धारण हम कर रहे हैं। अल्प विलय लवणों की विलयता का निर्धारण अल्प विलय, यानी कि जिन जो बेटा डिजोल्व ही ना हो, अल्प विलय लवणों की विलयता का निर्धारण कैसे होगा, क्या होगा। सबसे पहले अल्प विलय कौन होंगे, वे लवण जिनकी किसी दिए गए विलायक में विलयता का मान बहुत कम होता है। विलयता यानी कि वो जैसे जल में घुले तो जल में घुले ही ना, या बहुत देर में घुले, या बहुत ज़्यादा टाइम ले। ठीक है बेटा, जैसे AgCl को हमने घोल दिया तो ये घुलेगा नहीं, BaSO4 को घोल दिया तो Ba+2SO4-4 आयन्स में ये टूटने में ही टाइम ले लेगा, PbCl2 तो ये घुलेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, अल्प विलय। जिस अल्प विलय लवण की विलयता को निर्धारित करना है उसे सर्वप्रथम, अब देखो इनकी विलयता अपन डिसाइड कर रहे हैं, तो उसे हम चालकता मापी जल, आसुत जल प्लस 1-2 ड्रॉप हम उसमें ले लेंगे KMnO4 की। ठीक है बेटा, में अब आज आपका सवाल है बेटा, इसमें KMnO4 में जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको निकालनी है घर पे। ठीक है बेटा, इस तरीके से है ना, तो आसुत जल प्लस 1-2 ड्रॉप हम KMnO4 ले लेंगे, मैं घोला जाता है, माना कि जल की एवं बने हुए विलयन की विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता हमने पढ़ चुके हैं, तो वही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि जल की, तो विशिष्ट चालकता KH2 हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी KH2, और विलयन की क्या हो जाएगी KS हो जाएगी। ठीक है, KS हो जाएगी, अतः इनकी चालकताओं में अंतर KS तथा KH2O से प्रदर्शित कर सकते हैं हम, KS-KH2O, KS यानी सॉल्यूशन की चालकता और KH2O यानी कि जो जल की चालक, जल की विशिष्ट चालकता है उसे डिनोट कर सकते हैं हम, एवं निम्न सूत्र की सहायता से लेमडा एम इनफाइनाइट, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेमडा एम इनफाइनाइट सबसे पहले 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देखें लेमडा एम क्या है कि एम यानी मोलर, लेमडा यानी कि मोलर चालकता, और इन्फिनिटी क्या बता रहा है बेटा, क्योंकि ये अल्प विलय हैं तो इनको घुलने में, इनको विलय होने में बहुत सारा टाइम लगता है, यानी कि वो टाइम इनफाइनाइट से डिनोट हम कर सकते हैं इस, तो वो टाइम जो लगता है उसको इस इनफाइनाइट वाले टाइम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो निम्न सूत्र की सहायता से लेमडा जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसको बोलते हैं हम, को कोलराउस नियम द्वारा ज्ञात करके विलयता गुणनफल KSP का निर्धारित कर सकते हैं, एवं इस KSP के आधार पर उस विलय की विलयता निर्धारित करते हैं। अब देखो बेटा कैसे आएगा, C=, यानी कि C क्या है, विलयता, KS यानी कि सॉल्यूशन की विशिष्ट चालकता माइनस KH2O यानी कि जो H2O की जल की विशिष्ट चालकता इंटू 1000 डिवाइडेड बाई लेमडा एम इंटू इनफाइनाइट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, एम इनफाइनाइट पे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
फाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा ये इस तरीके से आ जाएगी। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले लिया हमने, मोलर कंडक्टिविटी ले ली। अब मोलर कंडक्टिविटी में जो ये हमारे पास लेमडा एम है, ये बेटा किन किन से बना हुआ है, वो सॉल्यूशन जो है वो, जैसे मान लीजिए BaCl2 है, ये किन किन से बना हुआ है, Ba2+ और Cl-, ठीक है, Cl- से बना हुआ है। तो जो ये लेमडा एम है, जो ये लेमडा एम हमारे पास आया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो पॉजिटिव की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और नेगेटिव की इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो किसके बराबर होगी, जो पॉजिटिव आयन है हमारे पास उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, और जो नेगेटिव आयन है उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब हम वियोजन की मात्रा देखें, वियोजन की मात्रा अल्फा, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसकी दी गई सांद्रता पर मोलर अथवा तुल्यांक की चालकता एवं अनंत तनुता पर मोलर अथवा तुल्यांक की चालकता के बराबर, अनुपात के बराबर होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है बेटा, कि जो मोलर कंसंट्रेशन है वो किस पर, किस पर, दी गई सांद्रता पर, मोलर कंसंट्रेशन 8 दी गई सांद्रता पर, और मोलर कंसंट्रेशन ए जो सॉरी मोलर कंडक्टेंस है वो किसी सी पर, जो सांद्रता दी हुई है उस पर, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, अनंत तनुता पर और सी सांद्रता पर, जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है, जो हमारे पास मोलर चालकता है, उसके अनुपात को हम किससे डिनोट करेंगे, वो अल्फा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वो अल्फा कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब लवणों की मोलर तुल्यांक की चालकता का निर्धारण कैसे करेंगे, देखो बेटा बहुत सीधा है, बहुत ही सिंपल है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से इसको सिखाऊंगा, कि हम दुर्बल विद्युत अपघट्य से बने लवण के मोलर अथवा तुल्यांक की चालकता कोलराउस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। वो कैसे ज्ञात की जाती है बेटा, कि हमने CH3COONa कोई साल्ट ले लिया, हमने CH3COONa एसिड सोडियम एसिटेट वाला ले लिया साल्ट, ठीक है बेटा। अब इसको हमने कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तोड़ा, तो CH3COOH से तो हमारे पास आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, कि CH3COOH से तो हमारे पास आ जाएगी लेमडा, देखो बेटा CH3COOH O- प्लस CH लेमडा, देखो बेटा ये सॉरी इसमें देखें आप अच्छे से, कि ये जो इसकी हमें दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये तो इसकी इसकी और इनसे कंपेयर करके हम निकालेंगे, जिससे हमारे पास CH3COONa की मोलर कंडक्टिविटी हमें ज्ञात हो जाए। अब इनको वो जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया बेटा, अभी इसी क्लास में जो पिछली वाली स्लाइड में सिखाया था, कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है, लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस, यही करेंगे हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर किसके लिए करेंगे, ये इनफाइनाइट CH3COOH इसके लिए, तो ये लेमडा इनफाइनाइट CH3COO- प्लस लेमडा इनफाइनाइट H+, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, है ना। यानी कि एनायन की नेगेटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस और पॉजिटिव आयन की मोलर कंडक्टेंस दोनों का योग किसके बराबर होगा, जो CH3COOH एसिटिक एसिड है उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसकी मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये आ गया हमारे पास। इसी तरह NaCl का वही पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसी तरह HCl का वही पॉजिटिव नेगेटिव। अब बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन आएंगी, जैसे ये लेमडा H+ जो आई है, ये H+ की जो मोलर कंडक्टेंस आई है
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वो इसके इससे कट जाएगी और ये Cl की Cl से कट जाएगी, कटेगी या नहीं कटेगी? ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो हमारे पास CH3COONa आएगा वो क्या होगा, CH3COO- प्लस द इनफाइनाइट Na प्लस। आगे बेटा हमारा, ठीक है, यानी कि यही चीज़ मैंने आपको पिछली स्लाइड में सिखाई थी कि मोलर कंडक्टेंस किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस किससे बराबर होगी, उसके पॉजिटिव आयन और उसके नेगेटिव आयन के मोलर कंडक्टेंस के योग के बराबर होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है कि चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या होता है, चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब मैंने आपको बताया था कि अगर चालकता किस पर डिपेंड होती है, आयन्स पे। अगर आयन्स ज़्यादा होंगे, आयन्स ज़्यादा होंगे बेटा तो चालकता ज़्यादा होगी। ठीक है, अब तनुता यानी कि कंसेंट्रिक यानी कि सांद्र में कंसेंट्रेशन ज़्यादा तो आयन्स ज़्यादा, और हमने उसमें वाटर मिला दिया या उसको डाइल्यूट कर दिया तो उसमें वाटर के मुकाबले हमारे जो आयन्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी का प्रभाव हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, विशिष्ट चालकता पर प्रभाव, किसी भी विलयन के 1 cm³ आयतन की चालकता को उस विलयन की विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा, 1 cm³ आयन उसमें उपस्थित आयतन में उपस्थित चालकता को उस विलयन की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे विलयन का तनुकरण करते हैं, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं तो विपरीत आवेशित आयनों का मध्य आकर्षण बल कम होता है, उनकी गति स्वतंत्र होने लगती है, परंतु 1 cm³ आयतन वाले अणु आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है बेटा, देखो वही वाली बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, एवं यह होने वाली कमी आयनों की स्वतंत्र गति की अपेक्षा अधिक होती है, परिणाम स्वरूप तनुकरण के फलस्वरूप विशिष्ट चालकता के मान में कमी आ जाती है। तो जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं हमारे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, हमारे किसी भी सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं बेटा, तो उसकी विशिष्ट चालकता में कमी आ जाएगी। अब तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता पर हम उसका प्रभाव देखते हैं। ठीक है बेटा, मोलर चालकता पर डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, किसी भी सांद्र विलयन में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण बल का मान अधिक होने पर इनके मध्य की दूरी कम हो जाती है। समझ रहे बेटा, इनके मध्य की दूरी कम हो जाती है, सांद्र विलयन में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जैसे आकर्षण बल ज़्यादा होगा बेटा तो वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। आकर्षित होने से क्या होगा कि उनके मध्य जो आकर्षण बल वो अधिक हो जाएगा और उनके मध्य की दूरी कम हो जाएगी, अतः यह आयन विलयन में स्वतंत्रपूर्वक गति नहीं कर पाएंगे। पर जैसे जैसे हम विलयन को डाइल्यूट करते हैं, जैसे जैसे हम तनुकरण करते हैं उस विलयन का, तो इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है तथा इनके मध्य की दूरी बढ़ जाती है। ये विलयन में स्वतंत्र रूप से गति, ये बेटा जैसे कोई भी विलयन ले लिया, Cu2+ ले लो, Na+ ले लो, Cl- ले लो, तो जैसे ही हम डाइल्यूट करेंगे तो इनके मध्य जो आकर्षण बल है, जैसे इनके मध्य ये दूरी अधिक हो जाएगी, अधिक होने से बेटा ये दूर दूर हो जाएंगे और ये आयन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अतः उस विलयन की जो क्या होगा, ये स्वतंत्र गति करने लग जाएंगे बेटा, और उस विलयन की तुल्यांकी या मोलर चालकता में ये वृद्धि कर देंगे, उस विलयन की तुल्यांकी चालकता में ये क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर, यानी कि लेमडा मोलर यानी कि मोलर कंडक्टेंस और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है बेटा, दूर अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी, अणु स्वतंत्र गति करेंगे तो वो डाइल्यूशन बढ़ जाएगा। पर विशिष्ट चालकता वो तो थी मोलर कंडक्टेंस, अब ये है विशिष्ट जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो बेटा जो है डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम अरेनियस का विद्युत अपघटनी वियोजन सिद्धांत पढ़ेंगे। दो डाइल्यूशन बेटा मैंने बता दिया आपको कि डाइल्यूशन का
मोलर कंडक्टेंस कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और आपके स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम आगे पढ़ने हैं बेटा आरहेनियस का विद्युत अपघटनीय वियोजन सिद्धांत। आरहेनियस ने विद्युत दुर्बल विद्युत अपघट्यों को जल जैसे विलायक में घोलकर निम्न प्रक्षण किया। क्या किया बेटा? जल में घोल दिया उनको। जब दुर्बल विद्युत अपघट्यों को जल जैसे विलायक में घोला जाता है तो ये दो प्रकार के आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, किनमें हो जाता है? ये दो प्रकार। वह आयन जिस पर धनावेश होता है उसे धनायन बोल देते हैं और वह आयन जिस पर ऋणावेश होता है उसे ऋणायन बोल देते हैं। धनायन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, ऋणायन पर उपस्थित कुल ऋणावेश के जो धनावेश होता है बेटा वो ऋणावेश के बराबर होता है, आवेश की मात्रा बराबर होती है। अतः संपूर्ण विलयन विद्युत उदासीन, जब जब आवेश की मात्रा बराबर होगी तो वो जो सॉल्यूशन है हमारा, जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, वो क्या हो जाएगा बेटा? वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर BaOH twice को हमने घोल दिया तो Ba2+ और O2OH- तो यहाँ पर देखो आवेश की मात्रा, या Ba2+ तो आवेश की मात्रा क्या है? 2+ और OH- में कितना आवेश है? 1, पर इसको 2 से गुणा कर रखा है तो 2, तो यहाँ पर कितनी होगी? 2, तो यानी कि आवेश की मात्रा बराबर है। आवेश की मात्रा किसके बराबर है बेटा? 2 बराबर है आवेश की मात्रा एक तरीके से। तो ये विलयन क्या हो गया? ये विलयन हमारा हो गया बेटा उदासीन। वियोजन, अब फोर्थ पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, वियोजन से पूर्व एवं वियोजन के पश्चात की स्पेसिज एक दूसरे से साम्य अवस्था में रहती है। यानी कि जब हम वाटर को में घोलेंगे उसको, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, तो वो एक साम्य अवस्था में रहती है बेटा, वो एक दूसरे की कंडीशन में आ सकती है। वियोजन से पूर्व एवं वियोजन के पश्चात की स्पेसिज एक दूसरे के साम्य अवस्था में होती है, अर्थात अग्र एवं प्रतिव अभिक्रियाओं की दर बराबर होने पर साम्य प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है बेटा? साम्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, क्या प्राप्त हो जाता है हमें? साम्य प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास बेटा ये आ जाएगी, ये हमारे पास आरहेनियस की एक धारणा थी, ये हमने आज इस वाले में पढ़ ली। ठीक है बच्चों, और बेटा आज हमने जो पढ़ा है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या होता है। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के, और जो आपके लेमडा इक्वावलेंट है यानी कि मोलर कंडक्टिविटी या इक्वावलेंट कंडक्टिविटी है, वो डाइल्यूशन के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।